लॉकडाउन ने कहीं न कहीं प्रदेश में कोरोना की चेन को कमजोर कर दिया है। यही वजह है कि कोरोना के मामले कम होने लगे हैं। तीन ही हफ्ते के बाद रोजाना पॉजिटिव होने वाले मरीजों की संख्या 16,000 से घटकर 5,000 पर आ गई है, लेकिन अभी जरा सी भी लापरवाही इस संख्या को दोबारा बढ़ा सकती है। मगर सोनीपत में लोग फिर भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। तस्वीरें राई और गन्नौर की हैं, जहां लोग लॉकडाउन और धारा 144 की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोग इस तरह से सड़कों पर निकल रहे हैं मानो कुछ हुआ ही न हो। दुकानदार भी गैर जरूरी सामान की दुकानें खोलकर खरीद फरोख्त कर रहे हैं। यहाँ मतलब सब्जी मंडी वाले हैं ना, ये बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत गैदरिंग करते हैं, काफी भीड़ रहती है। हर एक मकान घेर से मतलब कम से कम 15 दुकान चल रही है, जो कि वहाँ काफी भीड़ 50-60 आदमी लगातार रहते हैं। इसे कोरोना का बहुत असर रहता है। हमारे गांव में कई कोरोना के मरीज मर भी चुके हैं और कोरोना ज्यादा चल रहा है। तो अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन है जबकि आदमी कोई नहीं मान रहा है और इसका पालन करवाना चाहिए, इनको एक्शन लेना चाहिए। तो काफी भीड़ रहती है? हाँ, काफी भीड़ रहती है। अभी प्रशासन आता नहीं? पुलिस वाले आते हैं, वो एक बार चले जाते हैं, फिर उनके पीछे फिर ले आते हैं रेडी। फिर डर तो आपके अंदर भी होगा कहीं ना? हाँ, डर तो है, कोई नहीं। इन तस्वीरों को देखकर कोई भला कैसे कह सकता है कि यहाँ धारा 144 और लॉकडाउन लागू है, क्योंकि यहाँ ना तो सोशल डिस्टेंस है और ना ही कोरोना का कोई खौफ है। ऐसा नहीं है कि पुलिस इस तरह के लापरवाह लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती। एसपी जशनदीप सिंह रंधावा की माने तो अभी तक लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 250 केस दर्ज हो चुके हैं, साथ ही 220 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, मगर फिर भी लोग लापरवाह रवैया अख्तियार कर रहे हैं। अभी तक हमने पूरे ज़िले के अंदर 250 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए हैं जिसने भी लॉकडाउन का पालन नहीं किया। जो अनावश्यक कारण से बाहर पाया गया उसके खिलाफ कड़ा संज्ञान लेते हुए पर्चे दर्ज किए हैं। अभी तक हमने 212 FIR दर्ज करके लगभग 220 लोगों को अरेस्ट किया। और इसके अलावा हमने पिछली बार एक बड़ा इशू आया था कि लॉकडाउन के दौरान दारू की तस्करी की गई थी, उसका भी संज्ञान लेते हुए इस बार हमने बहुत ज़्यादा सख्ती की है। हमने 50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज करके 60 ऐसे तस्करों को हमने अरेस्ट किया। जितने भी बड़े गोदाम थे शराब के, वहाँ पे हमने एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ वहाँ पे गार्ड भी लगाई है और उनकी टाइम टू टाइम चेकिंग करवा रहे हैं, सीलिंग करवा रहे हैं। हमने सिर्फ मई के महीने के अंदर ही 7,000 से ज़्यादा फेस मास्क के चलान और मोटर व्हीकल के 2,000 चलान और लगभग 170 हमने व्हीकल्स को इम्पाउंड किया। और अगर पिछले जब से ये सेकेंड वेव आई है देखा जाए तो हमने लगभग 21,000 फेस मास्क के चलान किए हैं और लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू और फाइन हमने इम्पोज किया है। सख्ती के साथ लॉकडाउन की पालना करवाई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी लापरवाही मिलने पर सख्ती भी हो रही है। कभी चालान काटा जाता है तो कभी परेड कराई जाती है, मगर फिर भी लोग कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी को न्योता देने में लगे हैं। ऐसे में जरूरत है पुलिस को और भी ज्यादा सख्ती बरतने की, ताकि लॉकडाउन की वजह से कोरोना के मामलों में जो गिरावट आई है उसे जारी रखा जा सके। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।